Good morning, my dear, dear students. So, we are meeting after a long, long time. So, from today, we'll be starting your second term. So, we are going to start with our 15th chapter of EVS, and that is making pots. So, students, what do you mean? What do we mean by making pots? Making pots मतलब देखो, आपके घर पे भी जो मटके होते हैं, in which you fill water and you drink water from that, they are called pots. How do we make that? How are they used? We are going to study about that in this chapter. So everybody is fresh and very much excited to study and do the lessons again, right? Let's start with the chapter, kids. So students, you can open your page number 98. So let's start. Once there was a sparrow called Footgoody. So here there was a sparrow, students. उसका नाम क्या था? फुटगुड़ी. एंड अ क्रो कॉल्ड भनात. भनैत. एक क्रो था जिसका नाम था भनैत. एक स्पैरो थी जिसका नाम था फुटगुड़ी. दे वेर फास्ट फ्रेंड्स. वन डे भनैत सेड, ओ फुटगुड़ी, इफ़ यू ले एग्स फर्स्ट देन आई विल ईट देम, एंड इफ आई ले एग्स फर्स्ट देन यू कैन ईट देम. अग्रीड? फुटगुड़ी अग्रीड. तो क्रो और स्पैरो यहाँ पे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स थे, ठीक है. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अगर फुटगुड़ी पहले अंडे देती है तो कौवा उसे खा जाएगा, और अगर कौवा पहले अंडे देता है तो फुटगुड़ी उसके अंडे को खा जाएगी. दोनों ने इस बात पे अग्री किया. अ फ्यू डेज लेटर फुटगुड़ी लेड एन एग. भनैत सेड, गिव मी योर एग, आई विल ईट इट. डू गिव इट, गिव इट, गिव इट. तो क्या हुआ, किसने पहले अंडा दिया? फुटगुड़ी ने, मतलब स्पैरो ने. और तो क्रो ने क्या बोला कि दे दो मुझे ये अंडा, दे दो मुझे ये अंडा खाना है. फुटगुड़ी बहुत डर गई. अब देखो बच्चों, कोई भी मम्मा अपने एग्स को थोड़ी देगी. कोई भी बर्ड होगा वो अपने बच्चों को, अपने एग्स को किसी को खाने थोड़ी देगा, नहीं खाने देगा. फुटगुड़ी वॉज स्कैर्ड. शी सेड, यस बट आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो एंड वॉश योर बीक इन द रिवर. अब फुटगुड़ी थी बहुत स्मार्ट, स्पैरो बहुत ही चालाक थी. तो स्पैरो ने तो उसके साथ शर्त लगा ली थी, मतलब ये एक डील हो गई थी उन दोनों के बीच में कि जिसका अंडा पहले आएगा दूसरा उसे खा जाएगा. तो फुटगुड़ी ने क्या बोला उसको कि ठीक है, मैं तुम्हें मेरा अंडा खाने दूंगी, पहले तुम जाओ और रिवर में अपनी बीक धो के आओ, उसके बाद यू कैन ईट माई एग. भनैत वेंट टू द रिवर बैंक एंड सेड टू इट, ओ रिवर. यस ब्रदर, सेड द रिवर. भनैत, ओ रिवर, प्लीज़ गिव मी सम वाटर. तो रिवर को जाके कौवे ने क्या बोला कि मुझे थोड़ा पानी दे दो. विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज़ वॉट आई सीक. उसने क्या बोला कि ठंडे ठंडे पानी से मैं अपनी बीक धोऊंगा और फिर फुटगुड़ी का एग खा लूँगा. द रिवर सेड, बट हाउ विल यू फिल वाटर, गेट अ पॉट. रिवर ने क्या बोला कि अब तुम पानी कैसे लोगे, तुम्हें किसी कुछ तो चाहिए ना जिसमें तुम पानी को भर सकते हो, तो जाके पॉट ले आओ. तो भनैत ने क्या किया, इट वेंट टू द पॉटर, ओ पॉटर प्लीज़ गिव मी अ पॉट. ठीक है, तो उसने क्या बोला पॉटर को कि मुझे एक पॉट दे दो. देन व्हाट हैपेंड किड्स, वो पॉटर के पास गया, क्या बोला कि प्लीज़ आई वॉन्ट अ पॉट. इन द पॉट आई विल गेट वाटर फ्रॉम द रिवर. विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक. ठीक है, तो पॉटर को भी पता चल गया कि इसको एग खाना है. तो पॉटर ने क्या बोला, बट हाउ डू आई मेक अ पॉट, गो एंड गेट सम क्ले फ्रॉम द क्ले पिट. पॉटर ने बोला कि मैं पॉट बनाऊँ कैसे, पॉट बनाने के लिए तो मुझे क्ले चाहिए ना, तो क्ले पिट के पास जाके आप क्ले लेके आओ. तो भनैत वेंट टू द क्ले पिट एंड सेड, ओ क्ले पिट प्लीज गिव मी सम क्ले. द पॉटर विल मेक द पॉट फॉर मी, आई विल फिल द वॉटर इन द पॉट, आई विल वॉश माई बीक, ईटिंग द एग इज वॉट आई सी. द क्ले पिट सेड, बट हाउ डू आई डिग द सॉइल, गेट मी अ ट्रॉवल फ्रॉम द ब्लैक स्मिथ. भनैत वेंट टू द ब्लैक स्मिथ एंड सेड टू हिम, ओ ब्लैक स्मिथ. मतलब क्या बच्चों, क्ले पिट ने क्या बोला कि मैं डिग कैसे करूँ, मट्टी जो होती है उसको खोदना पड़ता है, ठीक है, तो सॉइल मिलता है ना, तो उसको खोदने के लिए ट्रॉवल होता है. ट्रॉवल एक 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 पूरा आयन से बना हुआ होता है जिससे हम मिट्टी को खोदते हैं, ठीक है. तो उसको बना उस उसको लेने के लिए क्लेपिट ने बोला कि यू गो टू द ब्लैक स्मिथ एंड गेट मी अ ट्रॉवल. तो
बनेट कहाँ गया? ब्लैकस्मिथ के पास गया. क्रो गया ब्लैकस्मिथ के पास और बोला, ओ ब्लैकस्मिथ, व्हाट डू यू वांट? बनेट सेड, प्लीज गिव मी अ ट्रॉवल. द क्ले पिट विल डिग आउट क्ले फॉर मी विद द ट्रॉवल. आई विल गेट अ पॉट मेड एंड गेट वाटर इन टू इट. विथ कोल्ड वाटर आई विल वॉश माई बीक. ईटिंग द एग इज वॉट आई सीक. देखो तो उसने बोला, तो ब्लैकस्मिथ समझ गया कि इसको तो उसका एग खाना है. तो ब्लैकस्मिथ सेड, श्योर यू कैन टेक द ट्रॉवल बट डू रिमेंबर टू रिटर्न इट. नाउ वॉट हैपन, एट लास्ट ब्लैकस्मिथ ने ट्रॉवल दे दिया. बनेट टुक द ट्रॉवल एंड वेंट टू द क्ले पिट. इट डग द सॉइल एंड गॉट सम क्ले. ठीक है, उसने ट्रॉवल ले लिया और क्ले पिट को दिया. क्ले पिट ने पूरी मट्टी खोद ली और वो उसने क्ले उसमें से उसने क्ले निकाल के क्रो को दे दी. द पॉटर मेड अ पॉट फॉर हिम. फिर उसने क्या किया, क्ले को सारी जाके पॉटर को दिया. पॉटर ने क्रो के लिए पॉट बनाया. बनेट फिल्ड वाटर इन द पॉट एंड वॉश्ड इट्स बेक. क्रो ने क्या किया, रिवर में से उसके अंदर पानी भर दिया और उससे उसकी बीक वॉश कर ली. ही देन रैन टू इट फुटगुडीज एग. उसने क्या, फुटगुड़ी ने क्या बोला था कि तुम अपनी बीक धो के आओ. अभी उसकी बीक वॉश करने के लिए उसको 4-5 पूरी लंबी प्रोसीजर करनी पड़ी, राइट. और ये सब करने के बाद जब वो फुटगुड़ी के पास गया, बाय दैट टाइम द स्पैरोज एग हैच्ड. अ लिटिल बर्ड केम आउट ऑफ इट एंड फ्लू अवे फार अवे फ्रॉम बनेट. तो क्या हुआ, जब तक क्रो गया किसके पास, पॉटर के पास, पॉटर से क्ले पिट के पास, क्ले पिट से ब्लैकस्मिथ के पास, ठीक है, और जब तक वो सब कुछ करके वापस आया, तब तक तो स्पैरो का जो अंडा था वो टूट चुका था और उसके अंदर से वो बर्ड निकल चुका था. एंड इट फ्लू अवे अवे अवे. वो इतना दूर दूर उड़ गया कि वो क्रो को कभी मिल ही नहीं पाता. सो नाउ स्टूडेंट्स, देखो ये पेज नंबर 100 पे यर देर आर सम क्वेश्चंस गिवन. व्हाई डिड द क्रो नीड अ पॉट. तो क्रो को पॉट क्यों चाहिए था बच्चों, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, द क्रो वॉन्टेड अ पॉट टू फिल वॉटर. राइट डाउन स्टूडेंट्स विथ मी, यू कैन राइट, द क्रो वॉन्टेड अ पॉट टू फिल वॉटर. ही वॉन्टेड टू वॉश हिज बीक विद द वॉटर. सेकेंड क्वेश्चन, हु ऑल हेल्प द क्रो टू मेक द पॉट. तो क्रो को किसने किसने हेल्प किया पॉट बनाने के लिए, किसने किसने हेल्प किया किड्स, ये तो आप जानते हो, ठीक है, ब्लैकस्मिथ, ट्रॉवल, क्ले पिट एंड पॉटर. ओके, व्हाट थिंग्स डिड द पॉटर नीड. पॉटर को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ी. पॉटर को क्ले की ज़रूरत पड़ी. आर देयर यूटेंसिल्स मेड ऑफ क्ले इन योर हाउस, विच आर दीज. तो बच्चों आपके घर पे कोई ऐसे बर्तन है जो क्ले से बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं. जैसे एक मटका तो होता ही है सबके घर पे जिसमें आप पानी भर के रखते हो. उसके अलावा क्या आपके घर पे कोई है ऐसे पॉट्स, तो आपको यहाँ पे लिखना है कि वो कौन से है. नाउ किड्स, देखो यहाँ पे नीचे थोड़ी एक्टिविटीज दी है, ठीक है. वॉट काइंड ऑफ एक्टिविटीज इज दिस. अ बोल फ्रॉम अ बॉल ऑफ क्ले. अब क्ले के, मिट्टी के पूरे क्ले से आप एक बोल बना सकते हो, बाउल बना सकते हो. तो उसकी पूरी प्रोसीजर यहाँ पे लिखी है, यू कैन मेक इट एट होम. देन अ बाउल फ्रॉम अ रोल ऑफ क्ले. एक बाउल बन सकता है क्ले के रोल से, ठीक है, उसकी प्रोसीजर भी यहाँ पे लिखी है. और अ पॉट फ्रॉम अ चपाती ऑफ क्ले, मतलब क्ले को पूरा बेलन से आप पूरा बड़ा करके उसको बेल के उसमें से पॉट बन सकता है, ठीक है. अब ये क्या है, हैव यू एवर सीन ब्रिक्स और पॉट्स बीइंग बेक्ड इन अ किल्न. हैव यू एवर सीन एनी ब्रिक्स और पॉट्स. तो मतलब देखो बच्चों, लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डू द पीपल डू. देखो जब बहुत बहुत सालों पहले, लॉन्ग लॉन्ग अगो, जब लोगों के पास पॉट्स नहीं थे या कुछ बर्तन नहीं थे, तो तब वो क्या करते थे बच्चों, किसी को पता है. तो दे यूज्ड लीव्स, वुड, स्टोन्स टू होल्ड समथिंग. वो क्या यूज़ करते थे, वो लीव्स यूज़ करते थे, वुड यूज़ करते थे, स्टोन्स यूज़ करते थे.
स्टोन्स के बर्तन होते थे, पत्थर के बर्तन. देखो आई शो यू. सी ये जो है बच्चों, जो देख रहे हो आप यहाँ पे, वेट आई शो यू, ये पत्थर से बने हुए बर्तन हैं. ठीक है, जब पहले किसी के पास नहीं था कुछ, तो ऐसे बर्तन होते थे जिसमें लोगों को अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए ये यूज़ होता था. ठीक है बच्चों, जैसे ये है ना, कि आपके घर पे कौन कौन से बर्तन हैं, तो देखो आपके घर पे एक तो मटका हो सकता है. ठीक है, फिर फ्लावर वाज अगर किसी के घर पे है तो वो भी मिट्टी का बना होता है. फिर किसी के पास अगर मिट्टी की बनी कढ़ाई है जिसमें दही हम जमाते हैं, तो वो भी मिट्टी से बनती है. ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग अगो व्हेन पीपल डिड नॉट हैव एनी पॉट्स, व्हाट डिड दोज पीपल डू. तो जब पहले के ज़माने में लोगों के पास पॉट्स नहीं थे, तब लोग क्या करते थे? तो पॉट्स हेल्प अस टू डू अवर वर्क ईजीली. वी ईट इन अ प्लेट विच इज़ अ फ्लैट पॉट. वी कीप अवर फूड इन अ पॉट, स्टोर वाटर इन अ पॉट एंड कैरी फूड एंड वाटर इन अ पॉट वेर एवर वी गो. ठीक है, इमेजिन वन डे ऑल द पॉट्स डिसअपियर फ्रॉम द वर्ल्ड, वॉट विल हैपन इन योर हाउस. तो उसके लिए मतलब पॉट्स हमें कितना यूजफुल होते हैं, कितना यूजफुल होते हैं. वाई वुड पीपल हैव मेड पॉट्स? पीपल हैव मेड पॉट्स बिकॉज दे नीडेड समथिंग टू स्टोर वाटर एंड फूड. लोग पॉट्स क्यों बनाते थे? क्योंकि उनको खाना और पानी दोनों स्टोर करने के लिए कुछ तो चाहिए ना. तो पॉट्स वॉज वेरी ईजी इन दोज डेज टू मेक. ठीक है, पॉट्स बहुत, तब ऐसे यूटेंसिल्स नहीं मिलते थे, तब बाकी के बर्तन जो अभी हमारे घर पे होते थे वो नहीं मिलते थे. तो लोग क्या करते थे बच्चों? पॉट्स बनाते थे जिसमें वो अपना खाना और पानी दोनों स्टोर कर पाए. समझ में आया बच्चों? Now see kids, hear what it is given. Many many years ago, there was a time when people had no pots. मतलब बहुत सारे सालों पहले ऐसा भी time था जब लोगों के पास pots नहीं थे. They started feeling the need to store and cook food. After a lot of effort and thinking, people learned to make pots. ठीक है, जब उनके पास पॉट्स नहीं थे, तब उनकी एक नीड हो गई कि वो लोग खाना जो बनाते हैं वो किस में स्टोर करें, पानी था वो किस में स्टोर करें. तो तब उनको अंदाज़ा हुआ कि अब हमें पॉट्स बनाने चाहिए. पीपल मेड पॉट्स ऑफ स्टोन्स बाय डिगिंग एंड स्क्रैपिंग स्टोन्स विद देयर हैंड्स. पहले लोग पॉट्स, स्टोन्स के पॉट्स, पत्थर के पॉट्स बनाने लगे डिग करके, उसको खोद के. दे मेड पॉट्स ऑफ क्ले बाय नीडिंग द क्ले एंड शेपिंग दैम विद देयर हैंड्स. जैसे आप देखते हो ना, अभी वो खेलने वाली क्ले देखिए, उसको आप कैसे हाथ से रोल करके, नीड करके, जैसे रोटी, मम्मी रोटी पकाती है तो जो जो डो होता है उसको कैसे नीड करती है ऐसे ऐसे. तो लोग क्ले से, मिट्टी की जो क्ले होती थी उसको नीड करके फिर पॉट्स बनाते थे और उसको शेप देते थे अपने हाथों से. People also discovered that clay pots could be made stronger by baking them in fire. लोगों ने ये भी discover किया कि clay pots stronger कैसे हो सकते थे? Fire में, उसको fire में bake करके, जो आग होती थी उसके अंदर bake करके pots strong हो सकते थे. पता चला बच्चों आपको? So kids, you understood? Earlier people made pots, ये utensils और जो बर्तन आप अभी use करते हो ना, वो तो अभी आए हैं. पहले तो ये कुछ भी नहीं था. तो पहले तो मिट्टी के पॉट्स विच वर मेड आउट ऑफ क्ले एंड शेप्ड विथ योर ओन हैंड्स, वो यूज़ करते थे. पत्थर के बर्तन यूज़ करते थे, जैसे मैंने आपको दिखाए. एक और, शुड आई शो यू वन मोर अगेन? वेट, सी दीज आर द यूटेंसिल्स मेड आउट ऑफ स्टोन. देखो बच्चों, ये चम्मच दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये बाउल दिख रहा है साइड में. दीज आर द यूटेंसिल्स मेड आउट ऑफ स्टोन. ठीक है, तो ऐसे बर्तन भी वो पहले यूज़ करते थे. सो किड्स, वी आर डन विथ अवर 15th चैप्टर ओवर हियर एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर एवरीवन, सी यू, हैव अ नाइस डे.